जय हिंद दोस्तों सभी को नमस्कार मैं आपके बीच राकेश चौधरी प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है मोक टेस्ट आठ नंबर को पढ़ेंगे जिसने बारह घंटे क्लास नहीं देखी वो कल जाके बारह घंटे क्लास देख लेना यहाँ दर्द हो रहा है यार इधर आ आइए दोस्तों फटाफट से क्लास में आ जाओ सारे बच्चे बात नहीं हो बात नहीं पर्सन में ध्यान से पढ़ना पर्सन को पर्सन को सभी बच्चे ध्यान से देखें बातें नहीं करेंगे बनवारी कितनी बार बोला बताते बातें नहीं करने का अब नहीं परसन। परसन क्या दे रहा है कि मंगल पांडे ने किस छावनी में सैनिक के रूप में कार्य किया तो मंगल पांडे ने जो सैनिक के रूप में कार्य किया था लाडले वह किया था क्या था आपके बेरकपुर छावनी पे किया था बेरकपुर छावनी कहां पड़ती है तो आप क्या बोलोगे कलकत्ता या इसका पुराना नाम बोले तो चौतीसवी चौतीसवी एन आई मंगल पांडे को फांसी कब दी गई मंगल पांडे को फांसी कब दी गई लाड 8 आठ अप्रैल अठारह सो और ये इसकी फांसी कैसी फांसी थी अट्ठारह की के क्रांति की पहली पहली फांसी थी एक तो ये ध्यान देना अगले प्रश्न को देखिए जफर जफरद्वित्य हड़सन द्वारा बंदी बनाकर इसे कहाँ ले गए बंदी बनाकर कहा ले गए रंगून बाजुशा जफर जो कहा का नेतृत्व करा था दिल्ली का बहादुर शाह जफर बोलो या बहादुर शाह सेकंड बोलो ये कहाँ का नेतृत्व करता था दिल्ली का और दिल्ली के साथ इसके साथ कौन था एक था बख्त बख्त खां बख्त खां लेकिन इसको बंदी बनाकर कहा ले गए रंगून अठारह में मृत्यु और पूछ ले बहादुर शाह जफर का मकबरा कहां पे मकबरा रंगून में तो बहादुर शाह जफर का मकबरा कहां पे लाड ले रंगून में थोड़ी तबीयत खराब है एक बार आप ध्यानपूर्वक सुनना आगे देखिए क्या देखिए अठारह सो सत्तावन की क्रांति अट्ठारह की क्रांति की सभी घटनाओं को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसके द्वारा कहा गया तो याद रखना विनायक दामोदर सावरकर कई बार ये होता है सर इसके नाम का एयरपोर्ट कहां पे है? इसके नाम का एयरपोर्ट कहां पे है? याद रखना इसके नाम का जो एयरपोर्ट है वो आपके पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ब्लेयर पोर्ट में कहां पड़ता है ट बलेर में दोस्तों ये याद रखना इंपोर्टेंट है अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों क्या दिया गया अठारह सत्तावन के संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे याद रखना दोस्तों तब तक तो वो गवर्नर जनरल था लेकिन बाद में उस पद को इस पद को एक नया नाम दिया वो था वाइस वाइस रॉय तो वाइस रॉय और हमारे देश का जो पहला वॉइस रॉय बना यानी कि फर्स्ट लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कैनिंग एक पर्सन बताइए इनमें से कौन से इनमें से कौन से गवर्नर जनरल के समय भारत की पहली दशक दशकीय जनगणना और इनमें से किस के समय राज्य यानी कि हड़प हड़प नीति लागू नीति लागू कर रहा है और राज्य हड़प नीति को खत्म कौन करेगा यानी कि ये जो तो समाप्त कौन करेगा समाप्त समाप्त याद रखना लॉर्ड कैनिंग अठारह में भारत का पहला गवर्नर बता दो भारत का पहला गवर्नर भारत का पहला बिल्कुल सही है भारत का पहला गवर्नर यही से गवर्नर जनरल बोलेंगे हम लॉर्ड विलियम बेंटिंग आगे देखिए अगला प्रश्न अठारह सौ की क्रांति में झांसी में सैनिकों का नेतृत्व किसी ने किया रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल ठीक है एक बात बताइए रानी लक्ष्मीबाई का साथ किसने दिया साथ तात्या।, तात्या तात्या टोपे ने आगे देखिए अगले प्रश्न को टाइम कम है दोस्तों प्रश्न देखते चले अठारह की क्रांति के दौरान कानपुर के क्रांतिकारी के पेशवा कौन थे कानपुर का कौन था तो कानपुर का पेशवा कौन था नाना साहेब नाना साहेब ये बताइए मुझे आप लखनऊ का कौन था लखनऊ का पेशवा या लखनऊ का नेतृत्व किसने किया याद रखना बेगम बेगम हजरत हजरत महल मजा नहीं आ रहा, मजा लेने तो कहीं बाहर जाना पड़ेगा यार पागल कहीं का आ जाओ अठारह की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारी का नेतृत्व बिहार का नेतृत्व बिहार का जो नेतृत्व किया है लाडले वो आपके डोपे कहाँ काका था और नाना साहब और भक्त खां और प्लस में बहादुर बहादुर शाह जफर दिल्ली का और लियाकत अली लियाकत लियाकत अली काका था ये बताइए एक और बता दो मुझे मंगल पांडे काका था बेरख पुरछाव ने आगे देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अरे बातें नहीं थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए चैट नहीं देख रहा कब की गई सोलह सो में आगे देखिए अगले प्रश्न को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम अपना व्यापार केंद्र ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापार केंद्र सूरत में खुला था 1613 परमिशन मांगने आए थे 1605 के बाद मंगल पांडे को फांसी कब दी गई आपको रिवाइज करना है दोस्तों मुझे ऑनलाइन से कोई मतलब नहीं आपसे मतलब है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई 8 अप्रैल लेकिन मंगल पांडे को फांसी की सजा किसी ने सुनाई फांसी की सजा किसी ने सुनाई सजा याद रखना उस जज का नाम पूछता जज कौन था यानी किसी चीज के ऊपर टांगते ना हुक पे टांग दिया फांसी की सजा और फांसी की डेट कब दी थी लेकिन इसको पहले ही फांसी देनी पड़ी कब आगे देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बोल दे यार यानी कि सोडियम सोडियम बाई हा बाई कार्बोनेट आगे देखिए अगला ये आपके किसका है सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितने परसेंट आपके नाइट्रोजन है कई बार ये आता है ये पृथ्वी है अब इसके पृथ्वी के इर्द गिर्द का ये सारा का सारा एरिया क्या है अरे ये ऊपर हवा में पूछ रहा हूं यार हाँ जी भाई यार वायुमंडल वायुमंडल के एक तो पूछेगा आपसे कुल पड़ते हम्म। वायुमंडल में सर्वाधिक सर्वाधिक तत्व बोलेगा तत्व तत्व कैसा स्थाई जो परमानेंट रहेगा जलवाष्प और वायुमंडल में ए गैस ए गैस सर्वाधिक और वायुमंडल में सर्वाधिक सर्वाधिक तत्व गैस ये नाइट्रोजन कितना उसके बाद में और उसके बाद में और उसके बाद में यह ना मिले तो जीरो पॉइंट जीरो आगे देखिए भारत में अंग्रेजी शासन अरे बातें नहीं आतव्य थोड़ी खराब है पढ़ दो झुबझाप भारत में अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के लिए प्रथम सशस्त्र संग्रह बिल्कुल इस क्रांति की पहली घटना पहली घटना बिल्कुल सही है उनतीस मार्च अठारह को बेरकपुर में कहा हुई थी बेरकपुर लेकिन क्रांति की शुरुआत शुरुआत पूछेगा आपसे 10 मई अठारह को मेरठ या नाम मिलेगा बीसवीं एन आई या नाम मिलेगा चौतीसवी एनआई अंग्रेजी नाम ये एक और बताइए अठारह की क्रांति के समय आपके नवाब किसको बनाया नवाब कौन बना नाना नाना साहेब लेकिन पूछ लेगा इसके समय गवर्नर जनरल कौन था लॉर्ड हाँ कैनिंग और एक बात और बता दो अठारह सौ की क्रांति के प्रत्येक चिन्ह क्या थे प्रत्येक चिन्ह तो याद रखना लोटस प्लस में चपाती गुलाब नहीं होता कमल का फूल और रोटी आगे देखिए मुझे लगा सूरजमुखी होगा एक्सरे एक्सरे की अगर बात करें तो आगे देखिए दोस्तों क्या दिया गया वायु की गति को मापा जाता है देखो आवाज चल रही है किस साइड दिशा में चल रही है इसको बताने के लिए जो प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं एनीमोमीटर वायु की गति बता रहा है अगर किसी क्षेत्र का किसी क्षेत्र का एयर प्रेश प्रेशर मापे एयर प्रेशर एयर प्रेशर तो याद रखना उसको बोलते हैं बैरो बैरो मीटर क्या बोलते हैं आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया कौन सी गैस पैरावेनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है बिल्कुल इसी प्रकार आपको रिविजन लगानी है सूर्य यानी कि सन से आने वाली आपकी अवरक्त किरणें होती हैं आपको हाँ इनफिक्स रेज होती है कई प्रकार की होती हैं। जिसमें एक और होती है उसका नाम है यूवी। यूवी रेज। यूवी रेज को बोलते हैं हम अल्ट्रावलिट रेज यानी कि पृथ्वी की, की, की सतह पर आ जाती हैं आएंगी ना आ रही है क्यों आ रही है क्योंकि जो अभी यहां पे ओजोन थे ना वो कमजोर पड़ गई तब आ रही है इनको रोकता कौन है ओजोन का सिंबल क्या है ओजोन डे कब आता है सोलह सितंबर बातें नहीं दोस्तों ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को लगाइए भाई क्वेश्चन को लगा लो फटाफट आगे देखिए क्या दिखे निम्नलिखित में से डेंगू रोग का एक कारण है निम्नलिखित में से डेंगू रोग का कारण है लड़ल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको डेंगू बोल रहा है। एक होता है आपको मलेरिया परजीवी के कारण होता है मलेरिया मलेरिया एक के लिए होता है मादा एंडीज और एक के लिए मादा एनाफिलीज। देखो ये तो कहलाएगा आपके मलेरिया और ये कहलाएगा आपके और दोनों मच्छर में मच्छर में आपके कौन है कैटेगरी क्या, क्या है फीमेल है क्या भैया फीमेल है मादा करेगी सारा काम नर कुछ नहीं करेगा आगे देखिए नमक का रासायनिक सूत्र गलत है बिल्कुल गलत लिखा हुआ गुरु जी एन बड़ा A छोटा सी ये सही है ना या एल छोटा आएगा सी बड़ा नहीं आएगा क्या एन ए सी एल आगे देखिए अगले प्रश्न को कौन से तत्व की कमी से गहंगा रोग होता है कौन से कम की तत्व से यानी कि आपके गहंगा रोग होगा अब नमक क्या आपके अंदर आयोडीन आता है ये याद रखना आगे देखिए विश्व बैंक में कितने देश हैं वर्ल्ड बैंक सुना है क्या वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक कहां पड़ता है वाशिंग वाशिंगटन वाशिंगटन डीसी नामक एक क्या शहर है ना जहां पे अमेरिका की राजधानी एक बात बताइए यूएनओ के सदस्य डब्ल्यू एच ओ के सदस्य सार्क सार्क संगठन के और आसियान के आसियान के अब जो आपको जी ट्वेंटी मिलता है ना जी ट्वेंटी वन हो गया अब जी ट्वेंटी नहीं है जी ट्वेंटी वन हो गया देखना पड़ेगा यार सारक की अगर बात करें तो आठ सदस्य डब्ल्यू एच ओ की एक सौ चौरानवे और यूएनओ की अगर बात करें एक सौ तिरानवे आगे देखें दोस्तों विश्व बैंक की स्थापना वर्ल्ड बैंक की स्थापना उन्नीस सौ उनचास चौवालीस में लेकिन काम करना प्रारंभ किया 1945। अगले प्रश्न को देखिए भारतीय नोट पर कितनी भाषा मिलती है देखो जो हमारी भाषा है ना वो अगर देखा जाए तो उसके पीछे साइड है पीछे की ओर आगे देखिए अगला प्रश्न 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण गलत पड़ गया बैंकों का बैंकों का राष्ट्रीयकरण 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 दो चरणों में हो कितने चरणों में दो चरणों में होता है एक आपके 1969 को पहला चरण और दूसरा बैंक का राष्ट्रीयकरण 1980 में इसमें छह बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसमें चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा कोई बातें नहीं यार आज गर्दन में दर्द यार है कोपरेट करें सारे बच्चे पर्सन मिल रहे और क्या चाहिए आपको मैं आ जाऊंगा आपके पास स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल और दोस्तों आपके चौदह अप्रैल को चौदह अप्रैल को सुबह सात बजे सात बजे से रात के सात बजे तक बारह घंटे की बारह घंटे की महा मैराथन क्लास है तो यहां पे क्या दिया है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर उन्नीस सौ ये ये है गलत पूछ लिया यहां पर स्वतंत्र भारत के आर बैंक का पूछना है आर का पूछना है सी डी देशमुख आगे देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे? आज दोस्तों गर्दन में दर्द है थोड़ा चैट के सेक्शन की साइड और मुड़ नहीं पा रहा यार मुड़ा नहीं रहा आज बिल्कुल भी इसलिए मुंह कर रखा सारा क्या आएगा इधर देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम 1921 में बना था नाम आता है इंपीरियल बैंक इंपीरियल बैंक और बाद में ये एस बन गया भारत से सबसे ज्यादा विदेश में शाखा इसी की है एसबीआई और एस कब बना एक जुलाई इसका हेडक्वार्टर कहां पे है इसका वर्तमान में महानिर्देशक कौन है वर्तमान में इसका अध्यक्ष है दिनेश 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 कुमार खर्रा दिनेश कुमार खर्रा आगे देखिए हा 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 हा, हा मुर्गी ये आज मौसम बड़ा बेईमान है तुम लाइक नहीं करता तुम शेयर नहीं करता तुम्हारा गलत बात ये भी पानी पीता हम्म, कल कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओगे चलेगा क्या? और शिवनाथ एक बात बता आरबीआई बैंक की स्थापना कब की गई बिल्कुल सही है आरबीआई बैंक एक क्या है केंद्रीय बैंक है सेंट्रल बैंक है ये बैंकों का बैंक है आगे देखिए क्या दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर आरबीआई का पहला गवर्नर चंचल बता कोई नहीं बोलेगा इधर आका मैयर आज ओए बता इधर आके बताते यहीं पे खड़ा के बता मारूंगा और ये क्या खा रहा है मुंह में चिंगम को फेंक सुअर की बनती है अब बता इसका उत्तर कुछ नहीं बता मेरे दादा का नाम बताना है एक तो एटीट्यूड छोड़ दे नहीं अभी बोल रहा था मैं बता दूंगा आप पूछ रहा क्या बताना है ये क्या पूछ रहा हूं मैं नहीं, काम से क्या बोल दिया तुझको खड़ो बाहर निकल मेरी क्लास से जा ऊपर जा, जा नहीं बोल क्या कहते तुझे काम से बोला करो एटीट्यूड है तेरे पास रखियो इधर जा ऊपर जा हाँ तो बैठ जा ऊपर मुठ्ठी भर का सारा नहीं है तेरे पापा से भी ऐसे बात करता क्या इसका पापा देख है तो वीडियो देख लेना बच्चे के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे कौन थे पहले क्या कह रहा है इसने गवर्नर पूछ रहा है। अगर पहले भारतीय बोले तो अलग हो जाएगा पहला भारतीय पूछेगा तो आपका जवाब कौन हो जाएगा सी डी देशमुख सी डी देश देशमुख देश और अगर बात करें आपको सीधा गवर्नर की तो याद रखना सर ओस ब्रोन स्मिथ जो 1935 में बना था आपके आगे देखिए अगला प्रश्न वर्ष उन्नीस में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया वर्ष उन्नीस में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया वर्ष उन्नीस में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया बता दो चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितने बैंकों का चौदह और 1980 के अंदर कितने का था इसके अंदर जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ वो छह बैंकों का कोई दिक्कत नहीं आप आगे बढ़ू जीतिया इधर आ अगले प्रश्न को देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहला मुख्यालय कहाँ स्थापित है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहला मुख्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ यानी कि पहला पूछ रहा है जब स्थापना की गई 1935 और 35 से 37 तक इसका जो हेडक्वार्टर बना वो आपके कलकत्ता में बना कब बना कलकत्ता लेकिन कलकत्ता में 37 के बाद इसका हेडक्वार्टर आज वर्तमान में मुंबई एक छोटा सा प्रश्न बता दो जो आरबीआई बैंक है आरबीआई बैंक इस आरबीआई बैंक के आज आज गवर्नर कौन है 25वें नंबर के गवर्नर है इस आरबीआई बैंक के कोई भारत का पीएम पीएम भी गवर्नर रहा है क्या राय ना डॉक्टर मनमोहन सिंह और 25वें कौन है भैया शक्ति शक्तिकांत दास शक्तिकांत दास आगे देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहां पर है? सोटफोम में सुन लो इसको बोलते हैं एल क्या बोलते एल आई सी एल आई सी की स्थापना हुई थी आपके एक सितंबर उन्नीस सौ छप्पन को इसका मुख्यालय बता दो आगे देखिए क्या दिए गए भारतीय जीवन बीम बीमा एल की स्थापना आगे ना एक सितंबर आगे देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण यह अच्छा प्रश्न है यह देश को दे दिया यह बैंक देश को दे दिया भारत देश को दे दिया गया भारत को दिया गया यह याद रखना एक जनवरी 1900 पचास और भारतीय रिजर्व बैंक का जब आपके राष्ट्रीयकरण किया गया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था जे बी कृपला ने तो इसका राइट उत्तर क्या होगा आपके स्थापना पूछे तो अरे आरबीआई नहीं भारत का एक अप्रैल उन्नीस सौ और स्थापना के समय इसका हेडक्वार्टर कहा था हाँ आगे देखिए भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना एसबीआई की एस का पुराना नाम अभी थोड़ी देर पहले पर्सन बताया अच्छी तरह लिखा था क्या कर रहा यार क्या करता डोडी पिटाई बहुत करूंगा तेरा मैं इसका पूरा नाम है इंपीरियल इंपीरियल बैंक 1921 में बना था ये आज इसे एस बोलते हैं बोलते एक जुलाई अगले प्रश्न को देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा जो बैंक है वर्ल्ड बैंक तो यहां पे हो जाएगा आपके द हैग में पड़ता आपके अंतरराष्ट्रीय पेरिस में और जनेवा में डब्लू बिल्कुल सही है इसी प्रकार बढ़ते रहिए आगे ऑनलाइन के बच्चे देखते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है बेटा आराम से कर लेना आगे देखिए सबसे घटिया क्लास आज मेरी मेरे जीवन की सबसे घटिया क्लास आज ऐसा क्यों क्योंकि यार मेरी कमर में दर्द हो रहा मुड़ा नहीं जा रहा ऐसे नहीं कर रहा ऐसे हो रहा तो दर्द हो रहा है बैंकों का बैंक किसे बोलते है? मैं तो पढ़ाई नहीं रहा आप खुद पढ़ रहे हो बैंकों का जिसे सेंटरल, सेंटरल बोलते है, और ये आपके आरबीआई कौन है आरबीआई बैंकों का बैंक भारतीय स्टेट नहीं भारतीय रिजर्व बैंक आगे देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले यानी कि जो उसके अंदर एक पेड़ मिलेगा उस वृक्ष का नाम क्या है? ऐसे लगता कोई खजूर का पेड़ है उसको खजूर नहीं बोलते उसे बोलते आपके आगे देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना यह तो बता रखा है अगर इसका राष्ट्रीयकरण बोलू तो राष्ट्रीयकरण और सोच ले एक जनवरी उन्नीस सौ उनचास गुण पचास नहीं उनचास आगे देखिए तराइन का पहला युद्ध देखो तराइन का दो युद्ध याद रखना एक तो पहला एक दूसरा एक ग्यारह इक्यानवे और एक बारह सॉरी सो, ग्यारह सो बानवे दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो एक साइड था मोहम्मद गौरी और दूसरे में था पृथ्वी राज दोनों में थे ये क्या हुआ ऊपर वाले में तो ये जीत गया और नीचे वाले में ये जीत गया आगे देखिए अजमेर के संस्थापक का नाम आगे देखिए अढ़ाई दिन का झोपड़ा अढ़ाई दिन का झोपड़ा लोकेशन बता दो लोकेशन आगे देखिए किसके शासनकाल में ख्वाजा मोहन चिश्ती राजस्थान में आए आगे देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सारे बच्चे बताइए यूएनओ यूएनओ की स्थापना यूएनओ के कुल देश यूएनओ का एक सौ देश कौन है अफ्रीका का है एक सौ स्थापना बोलू तो एक तो पहन दूसरे बच्चों को पढ़ने के लिए ऊपर से सीना तानी करता है दादागिरी कर रहा मुंह चला रहा है यहां मास्टर खड़ा है मैंने नाश्ता नहीं किया मेरे सामने मुंह चला रहा है बाकल कहीं का इसका उत्तर आगे देखिए में तराइन तराइन लड़ाई हुई सही है इसे का पहला युद्ध बोला है मोहम्मद गौरी और कौन लड़ा मोहम्मद गौरी हार गया और पृथ्वीराज चौहान क्या हो गया पृथ्वीराज चौहान को क्या बोलू तृतीय आगे देखिए क्या देखे मुगल सॉरी गुलाम वंश के गुलाम वंश के क्या पूछ ध्यान से देखना गुलाम वंश के किस शासक ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए रक्त तलवार की नीति इसके अंदर पूछ रहा है वो अलग है वो अलग है वो बलवन वंश में आ जाए कुछ भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री नागालैंड की आगे देखिए स्वराज्य मेरा जन्म सद अधिकार है मैं लेके रहूंगा लोकमान्य बाल बाल गंगा धर तिलक एक बात बताइए मुझे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होमरूल की स्थापना कहां पे की गई होमरूल होमरूल लेक की स्थापना और कब की गई जबकि होम रूल की स्थापना मद्रास में किसने की सितंबर या अप्रैल में थी? एनी एनी ने आगे देखिए उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा किस देश से लगी हुई है अरे थोड़ी तबीयत खराब बेटा ये ये बैक है ये पूरी ये ये मुड़ नहीं रही है ये काम नहीं कर रही आ, आ, आ। ऐसे भीजता हूं तो दर्द होता है रुक जा डर लग गया हर आगे देखिए कह दिया गया उत्तर प्रदेश देखो ये आपके क्या है बस उत्तर प्रदेश एक ही देश के साथ लगता है लेकिन यूपी के जो पड़ोसी पड़ोसी राज्य हैं पड़ोसी राज्य क्षेत्र वो आपके आठ प्लस में एक है यानी कि यूपी के साथ भारत के राज्य क्षेत्र कितने लगते हैं? आठ प्लस एक कितना होता है आप कैसे देखो ये आपका स्टेट है ये इस प्रकार का इसका नाम है यूपी क्या नाम है यूपी यूपी के इस साइड लगता है बिहार क्या लगता और इस साइड लगता है झार झारखंड और इस साइड लगता है आपका भैया छत्तीस छत्तीसगढ़ और इस साइड लगता है आपके एमपी और इस साइड लगता है आपके एच आर नहीं सॉरी राजस्थान और इस साइड लगता एच आर और इस साइड लगता है हिमाचल और इस साइड लगता यूके और यहां पे दिल्ली है ये दिल्ली है अब गिन लो कितने क्षेत्र हो गए लेकिन ये साइड जो लगता है उसका नाम क्या है एक ही देश के साथ लगता है नेपाल क्या है छे क्या है क्या, है? क्या है छे नेपाल के साथ भारत के पांच राज्य लगे एक आपके उत्तराखंड ठीक है एक आपके यूपी एक आपके बिहार एक आपके सिक्किम सिक्किम और एक आपके पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ कितने राज्य लगे पांच लेकिन नेपाल के साथ भारत के राज्य पूछे तो कितने लगे पांच नेपाल के साथ भारत का कौन सा राज्य सीमा बनाता है यूपी और ऐसे कितने राज्य बनाते हैं पांच आगे देखिए भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन करने वाला राष्ट्रीय आय के बारे में बताने वाला बिल्कुल भारत का ग्रेट ओल्ड मैन दादा भाई जो संसद जो ब्रिटेन की संसद का पहला सदस्य सद बना संसद और क्या संसद का ब्रिटेन की ब्रिटेन में पहला संसद का सदस्य यही बना था भारत की ओर से अगला देखिए सर्वप्रथम सर भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत पक्का पता है याद रखना दोस्तों चौबीस अक्टूबर आगे देखिए वापस बेदो की ओर जाओ वापस बेदो की ओर जाओ अरे आज आन दे आर्स आज आ भाई पूछ ले है बैक टू हाँ एनी पेशेंट तो यार गलत थोड़ी बताएगा तो आदमी काम का यहां पे राइट उत्तर आगे देखिए भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट कौन सा शहर में स्थापित किया गया सभी दोस्त ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करेंगे भाई लाइक शेयर करें भाई आज मौसम बड़ा बेईमान है नदी बताइए नदी आगे देखिए दूरबीन के आविष्कार कौन थे पता पता है आगे देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा हां सभी को नवरात्रों का बहुत बहुत आशीर्वाद बहुत बहुत डे सारा प्यार है सारे बच्चे वो आठ दस वर्त होते वो सारे कर लेना छतरी आज तबियत खराब होए होए छतरी नहीं छतरी नहीं खोलने का क्या है इंकलाब जिंदाबाद का नारा आगे देखिए मानव द्वारा पहला धातु प्रयोग में लिया याद रखना लेकिन मानव ने सबसे द्वारा जो खोजी धातु थी ना खोजी वो आपके गोल्ड था सोना लेकिन मानव की पहली मिस्र धातु मिस्र आलोय की बात करें तो।, तो इसका राइट उत्तर सिंबल क्या है? सी बड़ा या यू बड़ा रेडियो एक्टिवताओं की खोज की थी मैडम रेडियो एक्टिवता की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है हेनरी बेकेरल रेडियम की खोज हमारे देश का राष्ट्रीय गान उन्नीस में जनता के सामने पेश किया सॉरी देखो राष्ट्रीय गान की दो गलती कर दी राष्ट्रीय गान का अगर आपसे शीर्ष पूछे ना शीर्ष शीर्ष या टाइटल तो जो टाइटल पेश किया जाता है वो किससे किया आगे देखिए क्या देखे विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन अच्छा चाय नहीं बनाओगे क्या आठ बज गए चाय लियो इसका उत्तर क्या आएगा बिल्कुल एक्सीलेंट दोस्त चीन यूएसए और भारत आगे देखिए करो या मरो का नारा जीते पढ़ ले कर दर्द हो रहा है क्या हाँ छाती में दर्द होता और भी ले और भी ले आया कहीं का नहीं क्या कर देगा बाहर चाल के धमकी देगा लट चढ़ा आदि तेरे आया बटा कब बटो आयो बारह को करो या मरो का नारा आगे देखिए तारों का रंग किस पर निर्भर करता है अरे राकेश पाल क्या हो गया अरे आज तबीयत खराब है यार आज ये पूरा जो बैक है ना ये पूरा दर्द कर रहा है आज मसाज करानी पड़ेगी बॉडी की सपा सेंटर जाना पड़ेगा आज आज सपा सपा जो होगा समझ गया ये, ये समझता देखो तारा तारा जो होगा ना उसके अंदर ये होगा यानी कि राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके आगे, आगे देखिए क्या दिया गया गोवा की राजधानी पणजी किस नदी किनारे सूर्य का मुख्यतः गैस वायर, वायर, क्या है कि सूर्य सूर्य नाइट्रोजन तरदादा डाल के गया सूर्य के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी होती है आगे देखिए सौर मंडल के किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है गई भैंस पानी में आज मौसम बड़ा बेमान रे और... आज यार कमर में दर्द हो रखा यार क्या है बताइए बताइए शुक्र और बुध एक भी नहीं है लेकिन आपके मंगल के कितने है? और बृहस्पति के और आपके शनि के और अरुण के और वरुण के और कोई नहीं बोलेगा कोई नहीं बोलेगा आपको मां की कसम जीतू एक बोलेगा जीतू पृथ्वी के कितने हैं? आज मौसम बड़ा है, आजा, पंद्रह इधर आजा एट को, आजा, आजा मेरी छतरी के नीचे, आजा आजा छतरी के नीचे आ तुमको एक आदमी दिखाता मैं आदमी कम जमेला ज्यादा लगता आज आज मेरी चातरी के नीचे आज 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 खड़ा हो जाए यार आज आज मेरी छतरी के नीचे आज एक बात बता पृथ्वी के उपग्रह कितने तू पंद्रह बता रहा था एक कौन सा है एक कौन सा है ऑप्शन भी दूंगा मैं है ऑप्शन दूंगा रात को चारना किसका होता इधर आजा इधर रात को चारना किसका होता है चंद्रमा का या चांद का और चंद्रमा क्या है फिर क्या है चंद्रमा मामा है उसका ओए टू में करने का इधर आंखों में आंखें डाल ले बातें चार कर ले ओहो एटीट्यूड ओहो, ओहो, ओहो हो अरे कोई नहीं यार उत्तर तो सही बता के गया लोंडा तो देखो पृथ्वी का जो ऊपर है ये बात इसने सही बोली मून है यानी कि चंद्रमा चंद्रमा को यम चांद बोलता आगे देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग ये दोनों का आपस में मेल तोल कब हुआ लेकिन कांग्रेस पार्टी के तहत याद रखना आपके नरम नरम दल और आपके गरम दल ये दोनों अलग अलग कब हुए साथ में और वापस कब हुए आगे देखिए कोयना बांध किस राज्य में है कोयना बांध किस राज्य में लाड ले आज यार गर्दन में दर्द है यार दोस्तों कोयना बांध याद रखना दोस्तों लाइक शेयर नहीं करते यार तुम और एक बार लाइव देखना एक बार दोनों को बराबर करो यार दोस्त कोयना बांध आपके पुणे पुणे और प्लस में मुंबई को पानी देता है महाराष्ट्र कोयना नदी पर है आगे देखिए भारत भगत सिंह राजगुरु सुखदेव इन तीनों को फांसी दी गई आज आज संदीप बता 23 मार्च और 1931 को उत्तर संख्या आपके ए ऑप्शन। जीतू एक बात बोलू जिंदगी में सब कुछ कर जिंदगी जीने की पर कभी भी गुस्सा नहीं होना है हंसता रहना जिंदगी यार तुरो मत, एक बात बता मैंने कुछ कहा तुझे तू गुस्सा हो गया कल तेरे कर कल तेरी पिटाई करी फौजी साहब ने जब तू हसस के बातें कर रहा था अरे हम हम करे तो बेकार हमारा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टोमी है तुम्हारे वाले कुत्ते को तुम टोमी बोलता ओयो, 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 आगे देखिए नंदा देवी पर्वत शिखर किस राज्य में अच्छा पर्वत नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी उत्तराखंड में अठहत्तर सो सत्रह मीटर इसकी हाइट है आगे देखिए काकोरी ट्रेन डकैती काकोरी ट्रेन है ये और इससे माल लूट रहा है माल 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 को लूटता यह हुई थी 9 अगस्त 1925 काकोरी यूपी का एक जगह है जिसमें भरी ट्रेन को लूट रहे भैया ये ट्रेन है को लूटने वाले आदमी का नाम क्या है आपके राम बिस्मिल, सर फिर की तमन्ना हमारे दिल में है देखना है जो रहे बाजवे कातिल में आगे आगे देखिए शुक्र ग्रह के वातावरण जैसे आपका वातावरण अभी दिखाता हूं आपको ये आपके अर्थ ये विनस ये वातावरण में आपके कई सारे क्या तत्व है ऐसे ही आपके है आपके जो है वो सर्वाधिक क्या है लेकिन शुक्र के पास ज्यादा क्या है आगे देखिए आज आज अच्छा तरीके के नीचे आज 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 छत्तरिक के नीचे आज लड़का सही है गुस्सा हो गया तो बैठ गया और वो ऊपर चला गया एक बार भी नहीं बोला गुरुजी बैठ जाऊं क्या ये एटीट्यूड है पापा भरती में है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तेरे को पूरी जिंदगी रोटी देते रहेंगे पापा अरे खुद कमाना होता है यार जिंदगी का असूल क्या होता काम करके पेट को भरना यार तुम समझो ये समय आज क्या तारीख है नौ अप्रैल और पेपर कब है यानी कि मातर दिन रहे ग्यारह एक आधे दिन में तो शॉपिंग करेगा तुम कोई बच्चा बच्चा बोलेगा गुरु जी पजामा लेना है कोई कहेगा चप्पल लेना है हाँ कच्चा भी लेगा हाँ कई बच्चे घर भी जाएंगे आज आज अच्छा तारीख के नीचे आज देखो सबसे ज्यादा समय में कौन करेगा सर्वाधिक समय में पृथ्वी आगे देखिए निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में मरु महोत्सव बनाया जाता है ऊट महोत्सव बीकानेर देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क देखो टोटल जो नेशनल पार्क है सबसे बड़ा है और सबसे छोटा जयपुर में तो नहीं है राजस्थान में जरूर है कई है एक सरिष्का रणथम रणथंबोर एक केवला देव ये तीन तो नेशनल पार्क में है और आपके बाघ अभ्यारण्य आप वो लाइव वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया बहुत है यह बड़ा है और यह कहां पड़ता आपके और यह पड़ता अंडमान आगे देखिए जैसलमेर के वुड पार्क में मिला अब शेष मिले अब नहीं है नर्मदा नदी किस नदी में बहती है किस दिशा में बहती है देखो ये जो नदियां है इनकी दिशा है क्योंकि यहां पे पहाड़ है इस प्रकार तो कई नदी इधर आ जाती है कई नदी इधर चली जाती है ये नदी इधर आती है तो ये दिशा कौन सी है पूरप, पूरप से इस साइड आएगी आगे देखिए सिप्रा नदी किस नदी में जाकर अपना पानी गिराती है तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है लाडले शिप्रा किसके सहायक नदी है शिप्रा सिप्रा किसकी सहायक है सहायक है तो याद रखना ये आपके आगे देखिए विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क ये यह यहां पड़ता लाडले तो इसका नाम है भैया केबुल लामजोआ है इसी के ऊपर बना हुआ है लोकटक जेल के ऊपर बना हुआ है एकमात्र चार जेल है आगे देखिए दूध राष्ट्रीय ओए इसका मतलब ये थोड़ी है कि गुरु जी आप सुस्त है तो सुस्त हो जाएगा तो आपको दे क्या पर्सन दे रहा हूं तेरे साथ मैं सोया था तो क्या करूँ फिर पढ़ाई पे ध्यान यार प्रश्न उत्तर लगाइए चांडोली क्या कह रही है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि राजस्थान में आगे देखिए भारत में सबसे अधिक वन सर्वाधिक वनों की संख्या वो का है वो बाकी आ रहे हैं क्या अधिक वन की अगर बात की जाए और सबसे कम की बात आगे देखिए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल नर्मदा नदी निकलती कहां से है वो कहां गया अर्जन नहीं वो शिवनाथ हाँ सभी बच्चे शेयर करें और लाइक करें नर्मदा नदी का उद्गम स्थल विद्यांचल पर्वत पर्वत श्रृंखला लेकिन उसकी एक पहाड़ी पड़ती उस पहाड़ी का नाम है अमरकंटक कंटक की पहाड़ियां आगे देखिए गारो खासी नामक पहाड़ियां याद रखना ये प्रकार के जितने भी दिए ये एक आपके पहाड़ी है पहाड़ी क्षेत्र है दूसरी ये आपके बोली है और ये तीसरी बात है ये आपके सैडुल ट्राइब भी है शेड्यूल ट्राइब का मतलब समझता जनजातियां ये तीनों बातें और ये सारे के सारे कहाँ पड़ते कई बार ये प्रश्न आता है कि खांसी की पहाड़ियों के ऊपर यहाँ पे बहुत सारी क्या होती है वर्षा और यहाँ पर एक जगह का नाम है तो कई बार प्रश्न आता है कि मासीन राम के नीचे क्या है खांसी की पहाड़ियां और ये सारी की सारी ये खांसी की पहाड़ी किन दो पहाड़ियों के बीच में तो इसका राइट उत्तर आगे देखिए सेवराय की पहाड़ियां ये भारत के दक्षिणी में स्थित है सुबह की चाय ने भी इधर लिया सुबह तुम चाय लाते पता नहीं कहां ले जाते बोली उठाता यार जी तो ऐसी बात नहीं है अजय तू आदमी गलत हाँ तू आदमी गलत अजय अजय मैंने तुझको अच्छा लौंडा माना तू चुगली किया कल शाम को ऊपर मिलियो एक बजे आ जाइए अपने क्वार्टर में अरे कुछ नहीं आसा ओ सेवराय की बाड़िया पड़ पड़ती है आगे देखिए भारत का सबसे लंबा बांध सबसे लंबा बांध अनारकली शादी में गई है अनारकली पड़ोसियों की शादी में गई है वहां पे खाना बना रही है अरे खाना खा रही है भारत का सबसे लंबा बांध देश की प्रथम प्रथम बहुदेशीय। बहुद्देशीय परियोजना का नाम बताइए लेकिन एक पूछेगा आपसे देश की सबसे बड़ी बड़ी बहु बहुदेशीय परियोजना और एक पूछेगा देश का सबसे ऊंचा बांध एक आपसे पूछेगा देश का बड़ा बांध बड़ा एक पूछेगा देश का सबसे ऊंचा गुरु गुरुत्वीय बांध यानी ग्रेविटी फोर्स ज्यादा लगता है बाकड़ा बांध लेकिन बड़ा बोले तो यही बाकड़ा बांध ऊंचा बोले तो टेरी और सबसे बड़ी परियोजना बोले तो बाकड़ा न्यांगल और पहली बोले तो दामोदर और सबसे लंबा बांध बोले तो और किस राज्य में ये बांध नदी पूछो तो महानदी के किनारे शहर इसके किनारे कोई सिटी बिल्कुल कटक और कटक में कौन सी फसल का शोध केंद्र है चावल का शोध केंद्र राकेश सारे जैसा तो मारे आते कपास उगने अरे कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है देखना पड़ेगा एक बार यार आज ये तबीयत खराब है बिल्कुल ये दवाई हो यार कैसे ऐसे ऐसा करेगा ऐसा किया था प्रदीप ने झटका मारा किस दर्रे से भारत आ रहे थे कहा पढ़ता ये आगे देखिए अरे तबीयत खराब है कम से कम ध्यान तो आप बना लो पढ़ाई पे इसका नेक्स्ट सुनील चौधरी भोपालगढ़ कर, कर पढ़ ले तुम तो क्लास में बैठ रहे मजाक मत कर पटी कर आगे देखिए क्या दिया गया तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम याद रखना प्रायद्वीपीय भारत एक तो यहां पड़ती है एक यहां पड़ती है दो है ये एक का नाम है अन्नाई मुड़ी छब्बीस सौ मीटर ये केरल में है डोडा बेटा बोले तो दूसरी बताओगे कैसे बताओगे ये पड़ती आपके पच्चीस सौ सैतीस मीटर आगे देखिए सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में सियाचिन ग्लेशियर अरे बातें नहीं भाई ज्यादा करो क्लास बंद कर दूंगा आगे यार तबियत खराब है अरे नहीं होने दूंगा श्याचिन ग्लेशियर विवाद बता दो किनके बीच में यही तो पेपर में गलत कराएगा तो तू तो यही यही फिर उत्तर क्यों बदलता है ये तो ये तो गोबर खाएंगे पागल कहीं का यासीन ग्लेशियर पर, पर जाने वाले जाने वाले हां जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री तो इसका राइट उत्तर आगे देखिए आएगा अभिषेक यादव फौजी लवर लव यू टू भाई लव यू लव यू मेरे जान कैसा है आवाज है इधर पढ़ने का जीके एस डी वाई ओके सर इधर आने का भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम ये आपके हिमालय है यहां पर एक पर्वत श्रेणी है और यहां पर एक चोटी है ओए धोनी खड़ा हो मोहित खड़ा हो इधर और एक तो रात को फोन मत किया कर मैडम नहीं करती तो रात को प्रशांत को क्यों परेशान करा था रात को ग्यारह बजे चक्कुला चक्कुला खोल के देखूंगा पकड़ <laughs> तो याद रखने का दोस्तों क्या बताने का ये हिमालय है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो यहां पर पड़ती इसका नाम है केटू के टू ऑप्शन में ना हो तो आगे देखिए अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा गुरु शिखर है अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है नारायण तो क्या लिखता इधर देखिए अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सी है और धूपगढ़ कांकी है ऐसे आएगी आगे देखिए भारत के उत्तरी सीमा का कौन सा पर्वत है यार तू आदमी है है एक आता है तो घर पे ऐसे और भी आठ दस इधर देखिए ओए इधर देखने का ये सेंटर पॉइंट है नीचे बोलते दक्षिण और ऊपर बोले और इधर बोले और इधर बोले अब एक बात बता दो मुझको ये जो एरिया है ये जो एरिया बना रहा मैं ये किसका है अब ये डायरेक्शन ऊपर कहां जा रहा है विद्यांचल की अगर बात आ ये भारत के बिलो बीचो बीच है ये मध्य भाग में सतपुड़ा की बात बोले इसी के यहीं पड़ती है अगर देखा जाए तो दक्षिण दिशा बोलोगे लेकिन मध्य में आपके अरावली की बात बोले तो ये अरावली यहां है अब इसकी दिशा बोले तो उत्तर पश्चिम यार इनमें से नई कौन सी है सबसे नई और इनमें से पुरानी कौन सी है पूरे विश्व की पुरानी आगे देखिए सर्वप्रथम कौन से राज्य भाषा के आधार पे अरे भाषा के आधार पे बना था बताइए और कब बना था एक अक्टूबर उन्नीस को या एक नवंबर उन्नीस को भाषा के आधार पर बोला कि मुझे तो इस भाषा पे बना दो किस भाषा पर तेलुगु के अनुसार बना दो पर इसको देख देख के देख देख के, के चौदह राज्यों ने मीटिंग बना ली तेरह राज्यों ने फिर चौदह राज्यों के भाषा के आधार पे राज्य पुनर्गठन किया गया क्या किया गया पुनर् पुनर्गठन और राज्य पुनर्गठन कब हुआ उन्नीस सौ छप्पन में यानी कि कभी प्रश्न आ जाए भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य लेकिन आंध्र प्रदेश का राज्य पुनर्गठन कब हुआ पुनर्गठन ये राज्य पुनर्गठन बोलेगा लेकिन आंध्र प्रदेश की स्थापना बोले ये दो बातें दो बातें, स्थापना बोले तो ये राज्य पुनर्गठन बोले तो ये आगे देखिए कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है कंचनजंगा एक पर्वत शिखर है सभी को पता है सिक्किम में एक बात बताइए सिक्किम राज्य सबसे सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है क्या आगे देखिए कौन से राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगे? कौन है बताइए अब कौन से राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है अभी बताया था मैंने आपको तो ये कितने राज्यों से लगा भैया वो अर्षित है क्या चला रहा है कुछ तो चला रहा है फोन में कोई नहीं बेटा चला ले कोई शर्म तो है नहीं मेरी मैंने बोल दिया ना चोटल मैंने बोल भी दिया ना तो भी फोन चला रहा है ये कह रहा पता है मन में कह रहा है ऐसे मास्टर बहुत देखा छत्तीस छत्तीस मिलियो तो बार चौदह नंबर पर मिलियो आगे देखिए भारत के कितने राज्यों से करक रेखा गुजरती याद रखना लाडले कई बार पेपर में आता एक तो पूछेगा समुंदर 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 से कितने राज्य रखते हैं करक रेखा पे राज्य और एक पूछेगा जो भारत के आईएसटी रेखा है समय रेखा समय रेखा उसमें कितने राज्य पांच ऐसे कितने राज्य जो किसी भी जो किसी भी किसी भी देश या समुद्र से नहीं लगते कैसे इन्हें आंतरिक राज्य बोलते हैं जैसे हरियाणा छत्तीसगढ़ एमपी पी तेलंगाना और एक आपके झारखंड करक रेखा पे तो यहां से लेकर यहां तक बता दो गुजरात राजस्थान एमपी छत्तीस झारखंड वेस्ट बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम आगे देखिए भारत और श्रीलंका को विभाजित करने वाली बताइए भाई भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली खाड़ी का नाम भारत कितने देशों से अब ध्यान से देखना पाकिस्तान इस साइड है किस साइड है एक ये वाला म्यांमार एक दो तीन हो गए एक ये एक ये मालदीप और एक ये वाला इंडोनेशिया एक दो एक तीन एक चार एक पांच एक छः, कितने हो गए इंडोनेशिया इसी के थोड़ा सा और ऊपर चला जा, इधर पड़ता आपके ये भी गिन लेते हैं इसलिए सात हो जाते हैं आपके चीन को नहीं गिनेंगे चीन को इस तलीय सीमा में गिन रहे जब चीन अपने जलीय सीमा बनाता है वो उस साइड के देशों को गिनता है साथ साथ दोनों लगते हैं अगर इन दोनों में एक दो और एक तीन इन तीनों को वैसे गिन लिया दो बार इसलिए अपन टोटल कितने बताते हैं चौदह में से यानी कि ग्यारह इसको छोड़ बाद में बताएंगे इसको तो इसका राइट उत्तर है आगे देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जानता था तबियत थोड़ी खराब है अरुणा को कामरूप और आपके कलिंग कामरूप असम और रायगढ़ या राय राज पुताना और सौराष्ट्र महाराष्ट्र और आपके गुजरात दोनों को बोलते थे जिला अब आगे देखिए न्यू मोरदीप कहां पर है न्यू मोरदीप ये एक विवादित एरिया है यूएनओ के अंदर इसकी चर्चा चलती रहती है बांग्लादेश बोलता मेरा है ये यह यहां पड़ता आपके आगे देखिए लक्षद्वीप समूह कहां पर है भारत के पास दो दो द्वीप समूह प्रदेश है एक तो यहां पड़ता है और एक यहां पड़ता है या आपके अंडमान निकोबार है या आपके लक्षद्वीप है इस वाले पानी का नाम और इस वाले पानी का नाम और दोनों के पानी को जोड़ता है तो इसका राइट उत्तर कितने दीप है इसके पास आगे देखिए भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी दोस्तों आज थोड़ी तबीयत खराब है आप थोड़ा कोऑपरेट करें और मैं आशा करता हूँ जल्द कल वापस उसी फॉर्म में आ जाऊँ जैसे मैं डेली पढ़ाता हूं तुझे मजा नहीं लेना बेटा चीजें मिल रही यार पेपर में मजा देना आएगा क्या कोई कोई नहीं आएगा ऐसे फरडा मिलेगा हाथ में और करियो रे ऐसे करियो इधर आ चुपचाप धोनी धोनी है क्या नाम तेरा धोनी कहाँ पे है आज कुछ नहीं कहूंगा विश्वास नहीं है पाग लिये वाह धोने कैसा धोने कम यार धोने एक बात बता भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है इधर हो मैं छहत्तर फल में बता दे राजस्थान जनसंख्या में भारत की सबसे लंबी नदी भारत की सबसे लंबी नहर भारत में तेरे गांव में होगी सबसे नहर भारत की लंबी नहर ऑप्शन इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू ठीक है भारत में सर्वाधिक गन्ना कहाँ होता वो सही बोल रहा था पहले तो हाँ हो सका है तेरे घर पे भी हो जाए गन्ना तो उगाऊ क्या गन्ना अरे सबसे ज्यादा पूछ रहा हूँ ये बता दे थोड़ा नीचे हो नीचे हो ये बता तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती नाम क्या है छोटी हड्डी का नाम और टांग में यहाँ पे घोड़े से और एडी के बीच में दो हड्डियां होती है लंबी लंबी नाम क्या इनका पतली पतली भी होती है मजबूती बोलते इसको टीबिया और फैबूला अरे फैबूला और टीबिया क्या है एक बात बताइए तेरा चेहरा दिखता इस चेहरे में कितना हड्डी है उनतीस है इधर इधर? ये, ये, ये गर्दन से ऊपर का ये, ये, ये मुंडी है इसमें कितना है हाँ और इसमें कितना है इसमें कितना है और ये जबड़ा है जबड़ा ऐ कितना है इधर कितना हड्डी है जबड़ा में एक है ऐसे देखा नहीं डॉक्टर के पास मुँह ऐसे करता इधर आ ये क्या है, ये ये हाथ में कितना है साठ इसमें और पैर में कितना है तीस में और छाती छाती में कितना है चौबीस को एक जोड़ रहा है वो ये जोड़ रहा है ये ये और ये जोड़ रहा है ये जोड़ रहा है बारह और बारह और ये जोड़ रहा है तो फिर पच्चीस बोलने का ना चौबीस क्यों बोलता आग निकलेगा मेरे पास पागल कहीं का एक और बता ओए सुनने का तो पड़ता बिल्कुल नहीं है मानव शरीर में उंगलियां कितनी होती है बस की उंगली बीस होगी टोटल कितनी उंगलियां है उंगलियां कितनी है टोटल सोलह है उंगलियां सोलह है बढ़ जा। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम है वो है केटू और ये किस पर्वत श्रेणी पर है काराकोरम पर्वत श्रेणी है और ये वर्तमान में कहां पड़ती है और इसके ऊपर जो चोटी है इसके ऊपर अधिकार किसका है पाक ऑकोपाइड कश्मीर का जिसकी हाइट है छियासी ग्यारह मीटर आगे देखिए भारत के कितने राज्य समुद्र से लगते अभी पढ़ा था समुद्र से लगने वाले भारत के राजे अरे आज कमल चंडोला अरे आज कमल चंडोला का बर्थडे है तो सभी बच्चे हैप्पी बर्थडे टू यू बस बोस है यार है मार थप्पड़ मार इसके मैं देख लूंगा लेता ही रात की इधर आ ये कैमरा देख के आइयो अरे वाह एक बात बता तो आदमी कम गुलाब जामुन ज्यादा लगता है रसगुल्ला इधर मुंह कर ले मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी छह सात लीटर पांच से छह लीटर फोन को छोड़ दे किसका फोन है दोस्त का फोन है और फोन में दिल लगा रहा दस अज्जू अज्जू भाई का फोन आया इधर अरे मैंने पढ़ दिया ओपन करवाएगा क्या ऊपर सूबेदार बैठा है पागल कहीं का सारी बातें खुलवाएगा अब इधर देख मेरे साइड इधर देख ले बता दे देश का पहला नागरिक कौन और देश का दूसरा नागरिक और देश का तीसरा और देश का चौथा राज्यपाल राज्य का और राज्यसभा का सदस्य बनने की आयु तीस वर्ष और लोकसभा का पच्चीस पच्चीस है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राज्यपाल भी राज्यपाल भी पैंतीस और गांव का सरपंच ऐसे करूंगा तो मर जाएगा ओह ये मर जाएगा बच्चा एक और बता दो प्रश्न भारत में सोयाबीन कहां होता सबसे ज्यादा और भारत में सर्वाधिक टाइगर भी कहां होते भारत में सर्वाधिक वन भी कहां होते भी भी तो मुस्क मारता आज बदबू आ रहा कल दुणी कल दुणी दुणी। कर गुणी गुणी। अंदर की तरफ है सु गुरुजी माता जी का पड़ता है दूध पिएगा दूध पिलाऊं? ये पागल कहीं का एक बात बता दो मुझको क्या है तो पढ़ा रहा हूं मेरे, प्रश्न पूछ रहा देश में पहली रेल किसने शुरू की थी किसने की थी किसने की थी हाँ डल हो जी ने बता दे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहां पे है हाँ और सांगानेर एयरपोर्ट और राजस्थान में व्हाइट सिटी किसको बोलता और पिंक सिटी बिल्कुल सही बताता यार और भारत में सब सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी और विश्व की सबसे नई मार दूंगा मैं तुझको एक दिन कौन सी है अरे नई हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट का नाम बोल ढंग से इसको नेपाल में क्या बोलता सागर माता तो एक बात बता दे तेरे आंख का कौन सा भाग तो दान कर सकता कोर्निया और मानव शरीर का एक अंग ऐसा है जन्म ले ले और मृत्यु तक ये नहीं बढ़ेगा कभी नहीं बढ़ेगा ये अर्धे अर्धे बढ़ता है छोटे बच्चे में इतना फिर बड़े में इतना हो जाता अरे मैं ये गोला देखा तेरा ये आंख का गोला निकालूगा इसको ये ये खोल आंख खोल ये दिख रहा है ये काला काला ये कौर्निया जो आगे ये काला काला दिखता है ये वैसे आंख तो तेरा ऐसा हो जाएगा पकड़ बिल्ला ऐसे टुकली लगाएगा बाटली तब आंख बड़ा होता लेकिन आंख में एक काला काला दिखता है तुझको अरे मैं दिखाने का ये काला काला इसको कौर्निया बोलते क्या बोलते इसके पीछे होता है रेटिना क्या होता रेटिना। तो भाग जा साइड में मैं दिखाऊंगा थोड़ा ऊपर चली फिर होता होगा? पागल कहीं का इधर आने का तो समुद्र से लगे राज्य एक बात बताइए समुद्र भारत के कितने पानी से लगता है सॉरी भारत कितने पानी से लगता है एक तो आपके अरब सागर से लगता है एक आपके बंगाल की खाड़ी और एक और नीचे लगता है इस कारण लगने के कारण इसको क्या बोल दिया हमने प्रायद्वीप क्या बोल दिया भारत इधर गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक और केरल कितने राज्य पांच पश्चिम बंगाल उड़ीसा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु चार तो टोटल कितने ज्यादा किसकी लगती है ज्यादा और कम किसकी लगती कम आगे देखने का थार मरुस्थल किस राज्य में है थार मरुस्थल। क्या बोला ये? गलत बोला मैं कहता गलत लगा ले कितने कितने की? कि। शर्त लगा ले बिल्कुल हाँ थार की अगर बात करें थार गुरुजी दो देशों में है थार की अगर बात करो थार मरुस्थल दो देशों का है एक पाकिस्तान का है और एक भारत का है पाकिस्तान का जो थार है उसको बोलते हैं बड़ा बड़ा थार लेकिन भारत को बोलते हैं छोटा थार और भारत का जो थार का रेगिस्तान है है एरिया वो चार राज्यों में कितने राज्यों में चार राज्यों में तो इसने बोला है थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है तो तुमको क्या बोलने का चार राज्य चार में से साठ परसेंट एरिया किसके पास है राजस्थान इसलिए राजस्थानी ही, ही मेन मुख्य थार कहलाता है एक आपके पंजाब है, एक हरियाणा है और एक आपके गुजरात है एक और बच गया आगे देखिए वेन गंगा पेन गंगा ये किसकी किस सहायक नदी इधर दे सर फटा जा रहा मेरा बताइए वेनगंगा और पेनगंगा वेनगंगा और पेन गंगा कहां की सहायक नदी है ऑफिस में क्या लाएगा सुरेंद्र जी ये बच्चा ऊपर आने का गुद्दी पकड़ के दबोचने का जाने दे आप अपने आप पकड़ लेंगे सर सारा दिन घूमता रहता रात को नौ बजे सड़कों पे घूम रहा था कुत्ते पीछे पड़े थे इसके वेनगंगा किसकी सहायक नदी है तो याद रखना ये भाई आपके गोदावरी की आगे देखिए नागार्जुन बांध भारत के किस किस राज्य में नागार्जुन बांध ओर है ओरडे है देखो ये आपके नदी है ये आपके बांध है और ये बांध आपके आंध्र प्रदेश में और नदी का नाम है आगे देखिए इनमें से कौन सी नदी का उद्गम स्थल नहीं है भारत से सर नींबू पानी लो अरे गला बैठा पड़ा यार तर, मान चेमा योंग डूंग ग्लेशियर यहां पे एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर हाँ यांग टीसी कयांग देखिए यांग तीस बोलते हैं उसको यांग तीस भारत की सबसे प्राचीन पर्वत पर्वतरेणा और नहीं बोलू तो एक बात बताइए अरावली की पूरी लंबाई राजस्थान में कितनी है गुजरात में भी ये गुजरात के बाद में राजस्थान हरियाणा और कुछ भाग इसका कहां पड़ता दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों पर इसका क्या है राष्ट्रपति भवन है आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रदेश क्षेत्र बल की दृष्टि से सबसे छोटा है वेरी गुड वाह यार वाह देखो अगर बड़े की बात बोले बड़ा और छोटे की बात बोले तो आगे देखिए शिवालिक की पढ़े ओए इधर आने का शिवालिक की पढ़िया निम्न से किस पर्वत पर है अरे हमने पर्सन पढ़ लिए सौ परसेंट पढ़ लिए आ जाए इधर इधर आने का शिवालिक की पहाड़ियां देखो ये हिस्सा है आपका ऊपर ऊपर बोलते हैं इसको ट्रांस और बीच वाले को बोलते हैं महान और इस वाले हिस्से को बोलते हैं लघु और जो ये बाद में नया बना है इस नए का नाम है यह हिमालय के चार भाग है आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीन तीन दिशाओं से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा राजा तीन दिशाओं से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता यह कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएगा अब एक बार बताता देखो वेस्ट बंगाल की अगर बात करो तो इसके दक्षिण में लगता है इस साइड में बांग्लादेश क्या लगता है और इसके इस साइड में लगता है आपके भूटान और इसके इस साइड लगता है नेपाल पर इसने क्या बोला है दिशा बोल रहा है देखो ये आपके एक त्रिपुरा राज्य कैसा राज्य है त्रिपुरा इस साइड इस साइड इस साइड लेकिन एक दिशा जो पूर्वी दिशा है ना वो ओनली फॉर किससे रखते हैं भारत से तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा तो राज्य पूछ रहा है राज्य तीन दिशाओं से लगता है कौन सा राज्य पूछ रहा है तो त्रिपुरा करना है आपको बस गुड मॉर्निंग सर जी एक कप चाय के साथ धन्यवाद आपका इधर आधे चुपचाप पागल कहेंगी हाँ बिल्कुल जीरो सीमा जीरो रेखा किस नदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है बिल्कुल हीरा महान है आगे देखिए क्या देखे इनमें से कौन सी सबसे नवीन पर्वत है नवीन पर्वत है अगर शिवालिक ना मिले तो आगे देखिए कौन से देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है ग्यारह देश है एक सौ छह एक सौ नौ है ये याद रखने का दोस्तों जय माता दी जय माता दी सारे बच्चे चैट सेक्शन में एक नाम मां संतोषी के आशीर्वाद से आपने नवरात्रि शुरू कर दिए तो सारे बच्चे जय माता दी लिखोगे भाई जय माता दी अरे य तो तनु को छोड़ दे अगले प्रश्न को देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का भारत का विश्व में कौन सा स्थान है पक्का पता है पक्का रुक चीन भारत आया यानी कि आपको अगर मैं पांचवा बोलू तो और आपके तीसरा बोलू तो आपके दूसरा बोलू तो और आपके पहला बोलू और आपके चौथा बोलू और छठा बोलू और देखो छठे नंबर पे तो है छोटल काट दे यार तेर से बड़ा फोन है मेरे पास और तेर से ज्यादा कॉल आती है मेरे फोन पे नहीं सारा की मेरे कने भी बिंनी है तेरू फूटरी है आगे देखिए भारत के किस राज्य की सीमा तीन देश बता रहे तीनों देश बता दिए जय माता दी सभी भाइयों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं बिल्कुल 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 सर आई एम न्यू स्टूडेंट धन्यवाद भाई आपका चंचल कुमार लाइक शेयर करें सारे बच्चे भाई ओए बातें नहीं ओए क्यों करता है यार तुम दोनों है कॉपी खोल ले लिखा एक आधा पर्सन है एक आधा लिखा लिखा एक आधा तेरा पापा का फोन आ रहा था कल और सुरेंद्र जी मुझको बोला बच्चा कैसा पढ़ता मैंने पानी मारा बाल्टी भर के और मैं क्या बोला पढ़ता और तू यहाँ कुछ भी नहीं कर रहा तेरा पापा सुनता आज टच वाला फ़ोन रखता है ऐसे उंगली मारने वाला अभी सारा वीडियो मैं भेजूंगा व्हाट्सअप नंबर पे देखियो आगे बुलाऊंगा तुझको तैयार हो जा ये पूजा जुड़ी आज क्लास में ये अपना मोहन है ये पूजा नहीं है देखो ये राज्य है ऊपर चीन है इस साइड भूटान है और इस साइड आपके नेपाल है ओए इधर देखिए ये एक राज्य है अरुणा क्या है अरुणा के इस साइड भूटान है साइड चीन है इस साइड म्यांमार है यह भी याद रखना कई बार आता तो इसका नाम जो है वो क्या है आगे देखिए भारत का दक्षिणतम यह अच्छा प्रश्न है यह बढ़िया प्रश्न है पेपर में बार बार आता ये, आपको चार बिंदु याद रखने हैं। दक्षिणतम बोलो या सबसे दक्षिणी सबसे दक्षिणी और सबसे पश्चिमी गौरमाता और सबसे पूर्वी और सबसे दक्षिण मुख्य भूमि का दक्षिण आगे देखिए मेकमो रेखा किन दो देशों के बीच है ओए जय हिंद भाई जय हिंद छोटो सीमा चौधरी सी बताती जय श्री राम तो ले लो तनु हाँ तनु लेगी रजाशिया राम लेगी बिल्कुल लेगी और लाडले आजा ओए अगर मैं पूछ लू मैकमोन रेखा के साथ चीन का कौन सा एरिया लगता है और मैकमोन रेखा के साथ भारत का कौन सा एरिया लगता है और यहां पे तो इनके बीच की जो दीवार है ना ये दीवार है ये दीवार क्या कहलाती है लगभग आपके 900 किलोमीटर की लंबाई है यहां पे तार बांध रखे हैं आगे देखिए भारत की जनसंख्या विश्व की कुल आबादी कमेंट से एक्शन लिख दिया करो एक किसी ने नहीं, नहीं चला रखा बनवा दिखा कितनी है बिल्कुल सही है विश्व की टोटल जनसंख्या आपके कितनी भैया लगभग आपके सात अरब है कितनी है यह अपनी जगह क्या है इसमें भारत का एरिया कितना है सत्रह पॉइंट पांच तो राइट उत्तर हो जाएगा आगे देखिए जीवाणु के खोजकर्ता जीवाणु बैक्टीरिया के खोजकर्ता आगे देखिए पत्तियों के हरा होने का कारण आगे देखिए अपनी त्वचा द्वारा कौन सा जीव शोषण करता है भाई, मैं बोल रही हूँ पानी का होती बना पानी का मेंढक लाने का मेंढक लिया हो एक पकड़ के गली में घूमता मिल जाएगा मेंढक लाना मिंड की कुल्याणी विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम आइए ये बढ़िया प्रश्न है एग्जाम आ, आ गए पर शर्म नहीं आ रही अरे ड्यूडी साहब के किसको बोल रहा है इधर आ इधर आ, इधर आ, इधर आ, आ जा लव यू सर लव यू लव यू टू लव यू टू लव यू मेरी जान इधर देखने का अब ये बच्चा लोग इतना प्यार करता मैडम भी बोलती तुम करता क्या विटामिन ए का रासायनिक नाम विटामिन ए की खोज किसने की थी हाँ, किसने की थी? है बिल्कुल बिल्कुल आगे देखिए अगला हाइपो, हाइपर हाइपरमेटोपिया शरीर के किस अंग में होता है आगे देखिए किस विटामिन की कारण रतोंदी होता था। रतोंदी का मतलब प्लेग्रा, प्लेग्रा रोग तो विटामिन बी से होता होगा, बी थ्री से। देखिए भाई इसका। ये उत्तर। एक बात बताइए रतोंदी होगा तो क्या दिक्कत आएगी? रात्रि के समय आपको कम दिखेगा, जैसे सोरो सोर डालेगा, अंधेरे में कम दिखता, बात ही है। हाँ, रात दिन। आगे देखिए सर्वप्रथम तो किस वैज्ञानिक ने डीएन का विश्लेषण किया डीएनए और डीएनए के अंदर आपके क्रोमोसोम्स पाए जाते और कितने पाए जाते और जोड़ी बोलू तो तैतीस नहीं तेईस ये फैल है ये तैतीस बोलियो थारॉइड ग्रंथि कौन सी कमी से होती है ध्यान से सुना मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पेट्रेट्रिक ग्लैंड या मास्टर इसको मस्तिष्क ग्रंथ से बोलते मस्तिष्क भी बोलते यानी कि नाम आगे देखिए कौन सा उत्तक भोजन को पौधे के भाग में भोजन देता या पानी देता देखो नाम से पता चल रहा है अगर जल बोले जल बोले तो जाइलम। और आपके भोज्य बोले या आपको क्या बोले खाना तो आपका क्या हो जाएगा भाई जल या फल बोल सकते हो आप तो आप क्या हो जाएगा फलोयम आगे देखिए किस कारण हमारा खून लाल होता है आजा आजा छतरी के नीचे आजा मानो शरीर में खून लाल हो रहा है ध्यान से सुनना ओए सुनिए इधर आजा इधर आओ इधर आजा ये आपके नाड़ी है शरीर की इसके अंदर आपके एक संजोगी उत्तक होता टिश्यू रक्त को बोलते इस रक्त के अंदर आपके एक आपके तत्व पाया था इसका नाम है हीमो ये ब्लड के रंग को बदलने में काम करता हीमोग्लोबिन का जो कलर होता आपके ये संतरी जैसा होता हाँ बैंगनी होता कैसा होता बैंगनी पर्पल कलर का तो रंग ये करता और हीमोग्लोबिन के अंदर ही पचपन परसेंट है ये कई बार प्रश्न आता कि रक्त में प्लाज्मा कितना नहीं हीमोग्लोबिन में प्लाज्मा कितना पचपन एक बात बताइए जो आपका खून है खून और रक्त अलग अलग होता क्या देखो रक्त और खून एक बात है लेकिन सर इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन की मात्रा हम पढ़ते हैं वो आपके ग्राम में होते है, किस में होती है अगर किसी पुरुष में सामान्यतः है सोलह तक हो सकती है आपके हाँ औसत की अगर बात करें तो चौदह एक बात बताइए मुझे ब्लड ग्रुप कितना होता कितना चार में से ए बी क्या करता और ओ नेगेटिव क्या करता ए बी पॉजिटिव सभी को लेता और ओ नेगेटिव सभी को ए बी हाँ हाँ आ गया ये निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गर्भावस्था के समय महिला में दूध की वृद्धि बढ़ाता यह अच्छा पर्सन है एनए का प्रश्न है ये तो इसको बोलते आपके भैया ऑक्सेटोसिन एक बात बताइए दूध का पीएच मान कितना होता है और देखो जो दूध का पीएच पीएचमन आप किताबों में पढ़ते वो महिला के दूध का नहीं बताना आपको गाय के दूध का बताना है छह पॉइंट चार से लेकर छ पॉइंट आठ अगर आए तो आपको एक कर देना औसत तो अलग हो जाएगा यार आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक आंखों का रोग है आंखों का रोग है दोस्तों अरे मनी लवर इधर आजा चुपचाप पागल की आगे देखिए फिलो क्विनोमा किस विटामिन का रासायनिक नाम अच्छा प्रश्न है ये का नहीं है क्या है वो सी, के का है किस राज्य में अलग होकर छत्तीसगढ़ बना हा दोस्तों तबियत खराब है इसलिए एनर्जी नहीं लग रही हाँ जीत भी खत्म हो गया यार अगर मध्य प्रदेश से ये नहीं बनता ना हाँ तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन होना था आगे देखिए बेरी बेरी रोग होता है हाँ बी कॉम्प्लेक्स कई होते हैं एक से लेकर आठ होते हैं क्या सॉरी टोटल आठ होते हैं आपके आगे देखिए प्लेगरर यह अच्छा पर्सन है प्लेगरर जो रोग होता है शरीर में बी थ्री की कमी होती है और हमारी त्वचा को यह प्रभावित करता इसमें त्वचा का रंग बदलता मानव शरीर में मेलिन का एक कार्य है ये याद रखना ये अफ्रीका जो लोग देखे अपने अफ्रीका था 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 था। अफ्रीका अफ्रीका के अंदर ये ज्यादा होता ज्यादा काला होता ये त्वचा का रंग ज्यादा आपके डार्क हो रहा है इसी कारण हो रहा है कैल्सियम फेरोल किसका है बिल्कुल डी कैलसी किसका है टैका फेरोल इसका है। आगे देखिए भारतीय संविधान है भारतीय संविधान कैसा है दोस्तों लिखित है आज थोड़ी तबीयत खराब है दोस्तों और ध्यान से सुनना आप 14 अप्रैल को 14 अप्रैल को बी आर अंबेडकरी और फंडामेंटल राइट्स डे के दिन सुबह सात ए से लेकर आपके रात को सात पीएम तक पूरे 12 घंटे की जीके प्लस में साइंस का भी सेशन करंट अफेयर का सेशन सपोर्ट्स के पर्सन स्टैटिक जीके, सब्जेक्ट जीके, सब्जेक्टेड वाइज पूरा पूरा का 12 पूरा घंटे का क्लास 14 अप्रैल को दोस्तों जुड़ना ना भूले आपके 22 अप्रैल के पेपर के लिए रामबाण क्लास होगी छुक 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 करती गाड़ी आएगी सुबह सात बजे से लेकर आपको बिठा के लेके चलेगी सात बजे तक आज का अपना लास्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान कैसा है और भारतीय संविधान लागू कब हुआ और भारतीय संविधान को पारित कब किया 26 नवंबर उन्नीस को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को अब ध्यान से सुनना सारे बच्चे जितने भी लाइव देख रहे हैं अगली क्लास नौ बज के मिनट पे रोबोट सर का साइंस का तकड़ा क्लास साइंस में आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन बनाने का और मैडम क्यूरी बनाने का आपको बिल्कुल 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 सर आवाज नहीं आ रहा आवाज आ लिए इतना ही आएगा आवाज